Hello guys, today I am again here with you to discuss TDS. So last 2-3 videos में सर हमने थोड़ा TDS का पॉइंट डिस्कस किया था. आइए उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ओके, हाँ तो सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो हाउ वी विल डिडक्ट टीडीएस, ये हमने लास्ट क्लास में सर देखा था. सर हमने इसमें दो चीज डिस्कस की थी कि इफ वी विल कंसीडर अ सिंगल ट्रांजेक्शन, इफ वी आर कंसीडरिंग सिंगल ट्रांजेक्शन देन थ्रेशोल्ड लिमिट then threshold limit will be 30,000. But if we are considering transaction in aggregate, then this limit would be 1 lakh. और सर पुरानी वाली लिमिट क्या थी जल्दी बताइए. ओल्ड लिमिट वॉज 75,000 जिसकी अब कोई रेलिवेंस नहीं है. ओल्ड लिमिट वॉज 75,000. ठीक है सर. ओके सर, चलिए सर आगे चलते हैं. तो ये सर इतनी बात समझ में आई थी. अगर नहीं तो चलिए सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे. आई एम सेइंग इफ देयर इज अ पार्टी नेम इज ए एंड देयर इज अ पार्टी नेम्ड इज बी एंड दे एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, ए टेल्स बी दैट आई वांट टू टेक सर्टेन सर्विसेज ऑफ यू, then A will take services and B will provide such services. Firstly, we are discussing about the single transaction. If these parties enter into a single transaction throughout the year, suppose the financial year is 16-17, suppose the financial year is 16-17 and they enter into a transaction, then how we will deduct TDS? Suppose they enter into a transaction of amount 2 lakh rupees. So sir, humne TDS ka rate ek discuss kiya tha, contractor mein wo rate kiya tha. So sir, pehle aapne discuss to kiya tha, aapne to do rate bataye the, 1%, 2%. नहीं सर, तीन बताए थे. सर थर्ड कौन सा बताया था, 20%. बट ये कब था, अगर पैन, इफ नॉट पैन. अब सर पैन क्या होता है, तो पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं. तो सर मैंने कहा जो ए है जो सर्विसेज ले रहा है ये भी कंपनी है और बी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा, 2%. क्यों? क्योंकि इफ पार्टी प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज एन इंडिविजुअल और HUF देन वी डिडक्ट TDS एट 1%. बट इन एनी अदर केस, बट इट मस्ट नॉट बी एन इंडिविजुअल और HUF, देन द रेट इज 2%. ठीक है सर. तो सर हम एग्जाम्पल पे वापस आ रहे हैं. हमने कहा इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, ए और बी के बीच में. ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ए सेज टू बी दैट आई वांट टू टेक सर्टेन सर्विसेज फ्रॉम यू एंड बी एग्रीज ऑन दैट पॉइंट ऑफ ए एंड बी सेज ओके आई एम रेडी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू यू एंड दे एंटर इन टू एन एग्रीमेंट ऑफ रुपीज 2 lakh. देन बी प्रोवाइड सर्विसेज टू ए, देन ए इज रिक्वायर्ड टू then A is required to pay B the amount of rupees 2 lakh. Then how will A pass journal entry in his books? So answer, सॉल्यूशन क्या है, बुक्स ऑफ
Okay, A will pass the entry services account debit to TDS. We are considering that these services are exempted from service tax. If they are not exempted from service tax, then we would also consider the service tax, and we will discuss this point in the later video. So firstly, we have to discuss only certain simple things so that we can get a view of TDS, how we deduct TDS over the transactions. Okay sir, theek hai. So services account debit to TDS and to B private limited. Ab hoga kya, services kitne ki agree hui hai sir, 2 lakhs ki, aur uspe aap agar 2% TDS kaatoge तो वो आप कितना डिडक्ट करोगे, 4000 एंड इट इज 1,96,000। बट सर आप, अब हुआ क्या, ये हमने टीडीएस डिडक्ट क्यों किया, बिकॉज जो हमारा अमाउंट है सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए हमारा अमाउंट कितना है, 30,000, जो कि हमें हमारी थ्रेश होल्ड लिमिट है। तो अगर सिंगल ट्रांजेक्शन में थ्रेश होल्ड लिमिट 30,000 क्रॉस कर जाती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है सर, अब यहाँ पे तो सर हमारी कितनी लिमिट हो गई, ये तो 2 लाख यानी 30,000, 1 लाख भी क्रॉस कर गई सर ये, तो यहाँ तो काटना ही काटना है। ठीक है सर, ओके। तो सर अब एक बात मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे बता देनी चाहिए आपको कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। तो सर इट मे बी, हम लिख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, इट मे बी अ पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, इट मीन्स अ पर्सन एन इंडिविजुअल और अ फर्म विच एंटर्स इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मटीरियल to provide material or labor to perform a certain contract or job। लिख लो सर आप इसको, सब लिख लो। It may be a person, an individual, firm which enters into a contract to provide material or labor to perform a certain contract or job. ठीक है सर, तो सर अभी समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी या एक इंडिविजुअल या कोई भी फर्म जो कि एंटर करती है, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेती है, किस लिए, कि उसे मटेरियल प्रोवाइड करना है या लेबर प्रोवाइड करनी है, कि टू परफॉर्म अ जॉब, किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो सर इसके एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए एक एबीसी कंपनी है और इसको, इसका जो एरिना है, प्रीमाइस है, इस प्रीमाइस में, इस एरिया में ग्रीनरी करानी है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अब ये एक पौधा वाला लिमिटेड है, कौन, पौधा वाला लिमिटेड, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है कि पौधा वाला लिमिटेड आप हमारे यहाँ पे ग्रीनरी का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ठीक है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कौन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर। तो अब जितनी भी ग्रीनरी यहाँ पे होगी वो कौन करेगा, पौधा वाला लिमिटेड, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर है। सपोज एबीसी कंपनी के सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड के पास जाती है और सिक्योरिटी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कराती है, तो ये भी सर क्या हो गई, सिक्योरिटी कंपनी, सपोज। ठीक है सर, तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल से कॉन्ट्रैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो सर ये एक चीज है जो हमें ऑडिट करते हुए टाइम भी ध्यान रखनी है। जब भी हम कहीं पे ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्टर के केस में ये बातें जरूर ध्यान रखनी है कि हम TDS कैसे डिडक्ट हुआ है या कैसे डिडक्ट नहीं हुआ है। सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए 30,000 लिमिट है और एग्रीगेट ट्रांजेक्शन के लिए 1 लाख लिमिटेड है। तो सर थोड़ा सा एग्रीगेट के बारे में भी बात कर लेते हैं आज। एग्रीगेट ट्रांजेक्शन, तो सर है तो सब सेम, एक ही चीज बार बार बताने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। बस इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी थ्रू आउट द ईयर। सपोज एक आपकी 10,000 होती है, एक आपकी 40,000 होती है,
एक आपकी 30,000 होती है। अब एक्चुअली आपको पता तो होता ही है ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हुआ कितने का है, वो तो बात अलग है कि ट्रांजेक्शन अलग अलग होती जा रही है पूरे साल में। तो अगर आपको पता है कि 1 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो सर आप टीडीएस ही डिडक्ट कर लो ना। अब आप सिंगल ट्रांजेक्शन क्यों देख रहे हो? अगर आपको नहीं पता होता तो आप नहीं करते, बट अगर आपको पता है, सर्टेनिटी है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ऊपर का हुआ, 1,10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप क्या करोगे? यहीं से टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करोगे ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टीडीएस कैसे कटता है। टीडीएस व्हेन द ट्रांजेक्शन ड्यू पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो उस पे हम क्या करते हैं, टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर होती है? बताइए सर, इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो सर अब हम करने गए ऑडिट। ऑडिट तो करने चले गए, अब चीजें बहुत सारी आएंगी जो समझनी है। अब टीडीएस जरा सा तो है नहीं जो एकदम सोल्व हो जाएगा, तो चलो सर समझते हैं। एक थोड़ा सा मैं डीप पॉइंट टच करना चाहता हूँ, आप उसको देखिएगा, वो समझ में आता है या नहीं आता, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, सपोज एक पार्टी है शिवा तायल। ठीक है सर, एक पार्टी कौन है? शिवा तायल है। अब सर हम टैली में तो चेक करेंगे ना, हम टैली में भी चेक करते हैं, यानी अकाउंट बुक्स में चेक करते हैं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसका लेजर ओपन कर लो। क्या ओपन कर लो? टैली में इसका लेजर ओपन कर लो, और पूरे ईयर की, पूरे फाइनेंशियल ईयर का इसका लेजर ओपन कर लो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का लेजर। सर हमें तो टैली नहीं चलानी आती, अब भैया मैं आपको टैली की क्लासेस कैसे दूँ, पर हाँ थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। तो सर क्या करो, यहाँ पे जाओ, Alt प्लस F2 जब आप प्रेस करोगे तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ईयर डाल सकते हो या पीरियड डाल सकते हो, जिस पीरियड के लिए भी आपको ओपन करना है। ठीक है सर, तो ये तो आप समझ लेना सर Alt F2 कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो सर हमने शिवा तायल का लेजर अगर देखा तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारी कंपनी थी, याद है सबसे पहले सर्विसेज कौन, सबसे पहले कंपनी कौन सी थी? गैला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी थी सर। इस कंपनी की टैली में शिवा तायल का हमने लेजर ओपन किया। ठीक है, गैला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का हम ऑडिट करने गए हैं और इसमें हमने शिवा तायल का लेजर ओपन किया हुआ है। तो हम कैसे देखेंगे, देखो मैंने जैसे ही ओपन किया टैली तो उसमें आया 1/4/16 को पेमेंट की गई है, कितने की? 2 लाख रुपए की, 2 लाख की। अब आप बताओ इस पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले देख लो कॉन्ट्रैक्टर है क्या। अभी हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो पहले देख लो ये कॉन्ट्रैक्टर है भी या नहीं। हाँ जी कॉन्ट्रैक्टर है, तो ठीक है सर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। किस रूल से? ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ जी देखा हमने, तो एंट्री डली हुई थी कि सर 4,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ था, पार्टी के नाम पे 1,96,000 रुपये चढ़े हुए थे। ठीक हो गया सर। अब नेक्स्ट में देखा, जब मैंने पूरा लेजर ओपन कर रखा तो मैंने एक एंट्री और देखी कि 10/4/16 में फिर से 4 लाख की एडवांस पेमेंट हो रखी थी, तो फिर टीडीएस तो फिर भी डिडक्ट होगा। करो सर फिर टीडीएस डिडक्ट करो, कितना होगा 4 लाख पे? 8,000 रुपये। और यहाँ पे एंट्री कितने की डली होगी? 3,92,000 रुपये की। तो सर अब आप देखो, अब आगे क्या होगा, अभी तो सिर्फ इसकी पेमेंट एंट्री डली हुई है। ये कौन सी एंट्रीज हैं? पेमेंट एंट्रीज, एडवांस पेमेंट। तो सर अब पॉइंट है, ऑडिट करते टाइम अब आपको देखना है कि जब जर्नल इन्होंने चढ़ाया है, जब जर्नल में एंट्री डाली है, तो क्या टीडीएस डिडक्ट किया है? पहले तो आप ही बताओ टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए? हाँ सर, हाँ टीडीएस तो डिडक्ट होगा, आपने तो कहा था जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। हाँ भैया कहा तो था, पर ये भी तो है ना, आप एक अमाउंट पे दो दो बार कैसे टीडीएस डिडक्ट कर लोगे? आपने जब पेमेंट करी, आपने तो पहले ही पेमेंट कर दी, अभी तो ड्यू भी नहीं हुआ था, तो आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। तो अब क्या जब वो ड्यू होगा, जब फिर से मैं टीडीएस डिडक्ट करूँ? ना 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 ना, ऐसे नहीं करना सर। अब पेमेंट में तो आपका डिडक्ट हो गया ना, अब यहाँ पे आपको डिडक्ट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप एंट्री डालोगे पार्टी के नाम से, और उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। समझ में आती है बात? एंट्री डालोगे सर्विसेज डेबिट टू पार्टी। अब देख लेना कितने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है, सपोज करो 5 लाख की कर रखी है सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है, तो इतने की तो पेमेंट चली गई है पहले ही। कितने की चली गई भाई? हाँ इतने की तो पेमेंट जा चुकी है, इससे ऊपर की पेमेंट जा रही है, तो आपको क्या टीडीएस डिडक्ट करना है इस पे?
नहीं करना। तो सर ऐसे ऑडिट में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा हमें ऑडिट करना होता है, ताकि हमें क्या मिले, प्रैक्टिकल अप्रोच मिले। ठीक है सर, एक बार दोबारा बता देता हूँ। गैला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसका हम ऑडिट ऑडिटर हैं, उसके हम उसका ऑडिट करने गए हैं। शिवताय एक पार्टी है उनकी, जिससे वो सर्विसेज लेती हैं। तो हमने क्या कहा, हम कैसे चेक करेंगे टीडीएस इन्होंने सही काटा या नहीं काटा। तो ये तो बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने क्या कहा, हमने टैली में शिवताय का लेजर ओपन कर लिया। तो उसमें देखा क्या कि 1 अप्रैल को ही 2 लाख का पेमेंट हो रखा था। तो 2 लाख का पेमेंट हुआ, तो हमने कहा था कि सर ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का रूल लगाओ और टीडीएस डिडक्ट कर दो आंख बंद करके। तो उन्होंने क्या करा, टीडीएस डिडक्ट कर दिया। फिर मैंने देखा 10 में फिर एक पेमेंट हो रही थी, एडवांस पेमेंट, यहाँ भी एडवांस पेमेंट, यहाँ भी एडवांस पेमेंट। तो इस पे भी क्या करेंगे, टीडीएस काटो सर। ठीक है जी, काट लिया। तो लेकिन अब बात है कि सर जब मैं जर्नलिस्ट का पास करूँ तो क्या जब भी टीडीएस काटूँ? नहीं सर, कैसे काट लूंगा मैं, क्योंकि मैं तो उसको पहले ही क्या कर चुका हूँ, टीडीएस डिडक्ट कर चुका हूँ उस सर्विस के लिए। तो अब जब मैंने सर्विसेज दी, तो अब मैं यहाँ पे टीडीएस नहीं काटूंगा और सारा पेमेंट पार्टी के नाम पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, बाय बाय सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। गुड नाइट।